नमस्कार, मैं अनुष्का श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र आज के दिन नौसेना में की गई थी शामिल। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को 2 फरवरी 1988 को नौसेना में शामिल किया गया था। इसे रूस से लीज पर लिया गया था। INS चक्र SSN प्रकार की आक्रमण पनडुब्बी थी। SSN में SS एक पनडुब्बी को इंगित करता है और N परमाणु ऊर्जा को दर्शाता है। लीज समाप्त होने के बाद INS चक्र को रूस को वापस लौटा दिया गया था। अब 2025 में भारत को रूस से एक और परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। विश्व की पहली परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बी अमेरिका की नाटिलस थी जिसे 1954 में लॉन्च कर दिया गया था। मुंबई में आज के दिन चली थी देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस ट्रेन को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने सुबह ठीक 10 बजे हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन भारत ही नहीं एशिया की यह पहली विद्युत ट्रेन थी। यह EMU ट्रेन सीमेंट के फर्श वाली और 4 डिब्बों की थी। इस ट्रेन का पहला मोटर मैन होने का सौभाग्य जहांगीर फ्रेमजी दारूवाला को मिला था। बाद में गवर्नर विल्सन की पत्नी के नाम पर यह इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन का नाम भी रखा गया था। 1928 में बना यह इंजन 1974 में रिटायर हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान का आज के दिन हुआ था जन्म। भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ था। गायब, प्यासा, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, तीसरी कसम आदि वहीदा रहमान की उल्लेखनीय फिल्में हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय की छाप छोड़ी है। अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वहीदा रहमान को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। दिग्गज तबला वादक उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खां का आज के दिन हुआ था निधन। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म 29 अप्रैल 1919 को भारत के जम्मू शहर के फगवाल नामक जगह पर हुआ था। अल्लाह रखा खां सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। इनका पूरा नाम कुरैशी अल्लाह रखा खां है। अल्लाह रखा खां अपने आप को पंजाब घराने का मानते थे। अल्लाह रखा खां के पुत्र का नाम जाकिर हुसैन है जो स्वयं प्रसिद्ध तबला वादक हैं। संगीत के क्षेत्र में योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के द्वारा 1977 में अल्लाह रखा खां को पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया गया। 3 फरवरी 2000 को मुंबई में हृदय गति के रुक जाने से इनका निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।